नमस्कार, एमकेएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। महाराष्ट्र में कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई राजनीतिक उठापटक अब खत्म होने की कगार पर है। बुधवार रात करीब 11:15 बजे उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वे इस्तीफा देने के लिए खुद ही ड्राइव कर राजभवन के लिए निकले थे। उनके साथ कार में दोनों बेटे आदित्य और तेजस ठाकरे भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार उद्धव जब राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने पहुंचे तो राज्यपाल ने उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक अपने पद पर बने रहने को कहा। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य के साथ एक मंदिर में पूजा की। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे इस्तीफे के बाद बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज फडणवीस के घर कोर कमेटी की बैठक है। वहीं सूत्रों के मुताबिक फडणवीस 1-2 दिन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो देश में पिछले 24 घंटे में 18,819 नए केस सामने आए हैं, जो बुधवार की तुलना में 29.7% अधिक हैं। देश में अब तक कुल 4,34,52,164 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। वहीं आज देश भर में सबसे ज्यादा मरीज केरल में मिले हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ी है। वहीं भारत में गुरुवार को 18,000 से अधिक नए मरीज मिले थे, जबकि 39 मरीजों की मौत हुई है। बीते कुछ दिनों से देश में कोरोना केस के आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। उसमें केरल पहले नंबर पर है, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ग्वालियर वार्ड क्रमांक 40 के प्रत्याशी से ग्वालियर संवाददाता योगेश बिसारिया से खास बातचीत की। प्रत्याशी अलबेला गोरैया ने बताया कि मैं क्षेत्र में जहां भी जाता हूं, क्षेत्र की जनता का मुझे भरपूर समर्थन मिलता है। साथ ही मैं पिछले 20 वर्षों से क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टी के प्रत्याशी केवल चुनाव के टाइम ही हमारे पास वोट मांगने आते हैं। आज हम वार्ड 40 में अलवेल गुरैया जी जिनके पास बैठे, मैं इनका राजनीतिक करियर पर थोड़ा प्रकाश डालूं। ये पिछले 3 बार के पार्षद हैं और इनका अपने क्षेत्र में अलग ही एक दबदबा है। इसी क्रम में आज मेरे पास बैठे हुए अलवेल जी, आपका चैनल पर स्वागत है। बेसिकली कि जब 20 साल हो गए हमको जनसेवा में आए हुए, जब से हमने जनसेवा का पथ चुना है तब से लेकर आज तक निरंतर हम जनसेवा करते आ रहे हैं। वास्तव में बाढ़ के हम नेता नहीं है, बाढ़ हमारा घर है, बाढ़ हमारा परिवार है। हर उस बाढ़ का व्यक्ति मेरा छोटा बड़ा, मेरा उनसे संबंध है। क्या 2004 में लक्ष्मीगंज मरगट शमशान की वो हालत खराब थी, 3 फुट पानी कीचड़ रहा करती थी, लेकिन आज वहाँ 7 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। कि पिछले 57 साल से आपको तो मालूम है नगर निगम परिषद में बीजेपी शासन कर रही है, तो इस बार बदलाव की क्या लहर है और क्या लगता है इस बार के कांग्रेस का महापौर बनेगा? और 100% सतीश सिकरवार बहुत बड़े वर्कर हैं। कोरोना काल में सतीश सिकरवार, अलवेल गोरैया, 2-3 नाम ऐसे हैं। सारे लोग नेता घरों पर सो रहे थे, लेकिन सतीश सिकरवार, उनकी पत्नी, उनका बेटा, मेरी पत्नी, मैं, सारे लोग जनता के बीच में रहे हैं। ये मेरे साथ थे अलवेल गोरैया जी, जिनके बारे में आपने कहा किन मुद्दों को लिए चुनाव दे। रोजाना हम आपको देते रहेंगे बराबर। मैं योगेश बिसारिया, एमकेएन न्यूज ग्वालियर। आज हम बात चाल अग्निपथ स्कीम का समर्थन करने के लिए बीजेपी नेताओं ने दंतेवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें केंद्रीय बीज प्रमाणक बोर्ड के सदस्य भरत लाल मटियानी ने कहा कि अग्निपथ योजना में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। अब तक इस योजना में 84,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। इस योजना का विरोध केवल कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहा है। साथ ही 4 साल की नौकरी के बाद जब वे बाहर आएंगे तो उनके पास 40 लाख रुपए रहेंगे। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी सहित कई नेता मौजूद रहे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार संविधान से उन लोग शपथ लेते हैं, हम जन प्रतिनिधि अगर इसका इस टाइप का अगर हम विरोध करते रहेंगे तो आम जनमानस के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। और हम सब भारतीय जनता पार्टी
अग्निपथ का खासतौर पे हम समर्थन करते हैं और हमारे साथ सारे जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम दीपेंद्र को सकुशल निकाल लिया गया है। करीब 7 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। वहीं रेस्क्यू टीम ने बोरवेल के गड्ढे में रस्सी डाली। ये रस्सी बच्चे ने अपने कंधे में फंसा ली, जिसके बाद उसे धीरे धीरे खींच कर गड्ढे से निकाल लिया गया। बच्चे को निकालते ही मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना ओरछा रोड थाना क्षेत्र के नारायणपुरा और पठा पुर गांव के पास की है, जहां नारायणपुरा के रहने वाले अखिलेश यादव का 4 साल का बेटा दीपेंद्र यादव परिवार के साथ खेत पर गया हुआ था, जो खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना ने भी मोर्चा संभाला। इसके अलावा SDRF प्रशासन और पुलिस भी पूरे समय मौके पर मौजूद रही। बच्चे को सकुशल निकाले जाने के बाद परिजनों के साथ ही ग्रामीणों और प्रशासन की टीम ने राहत की सांस ली। पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रदेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है, जिसके बाद नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए अगर कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों को भी बंद करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कल ही हम लोगों ने मीटिंग में पर्यावरण विभाग के अधिकारी को भी यहां बुलाया था और पर्यावरण में जिस तरह से नुकसान हो रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक का 1 तारीख से बैन है, तो इस तरह के कहीं पाया जाएगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग हो रहा है तो उनको जब्ती बनाई जाएगी, कार्रवाई होगी। और जो फैक्ट्रियां इस तरह के उत्पाद बनाते हैं उन फैक्ट्रियों को भी बंद करने के लिए निर्देश दिए गए। अग्निपथ स्कीम को लेकर बयानबाजी, विरोध और समर्थन का दौर जारी है। इसी क्रम में बीजेपी से राज्यसभा सांसद और पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने कांग्रेस के बस्तर से विधायक विक्रम शाह मंडावी को लेकर कहा कि जिस प्रकार की भाषा में विक्रम शाह ने बस्तर के युवाओं को भड़काने की कोशिश की है, ऐसी भाषा संविधान की शपथ लेने वाले विधायक को शोभा नहीं देती है। उन्हें युवाओं को भड़काने की बजाय अग्निपथ स्कीम के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो अपने प्रदेश के युवाओं को उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करिए, ना कि उसमें राजनीति करिए। कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी जी उस विषय पर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को उद्वेलित होना चाहिए, आप आग लगा दीजिए। इस प्रकार की भाषा में अगर लोग बात करते हैं, विधायक बात करते हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं, ऐसे लोग अगर ऐसी बात कहेंगे तो भारत के युवा, छत्तीसगढ़ के युवा उनसे अलग नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार कहना चाहूंगी कि उनको बार बार ये भ्रमित करने की राजनीति को छोड़ देना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के कार्यकाल को 3 साल पूरे होने पर रायपुर ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस ब्लॉक पर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। इससे पहले वे बैरन बाजार स्थित हनुमान जी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और जरूरतमंदों को छाता और भोजन बांटा। अपने अलग अंदाज से सुर्खियों में रहने वाली दमोह जिले की विधायक रामबाई अपने भाषण के चलते फिर चर्चा में हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, इस दौरान वे वार्ड 14 में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंची थीं, जहां वार्ड के लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व अध्यक्ष के साथ मारपीट करने की बात कहने लगी। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो वायरल हो गया। हम तो हैं, हम तुम्हारे कागज ले लें और उते अध्यक्ष को पहुंचा दें कि लिस्ट में नाम जोड़ दो और अध्यक्ष और पार्षद ने कट लगा दो कि नहीं जोड़नी है तो हम का कर लें। यही से सबसे कह रहे माता हरो कि एक दारे BSP को प्रत्याशी जिताओ और फिर तुम्हारे काम न होने तो कौन हम रजिस्ट्री करवा रहे तुम्हारा से।
बुलंदशहर के जिला कारागार में बंदियों के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला और पुरुष बंदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और बीमारी के अनुरूप उपचार पराश्रित किया गया। शिविर में जनरल फिजिशियन डॉक्टर अंजल राय, डॉक्टर अनिल सिंह और वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव मोहन सहित तमाम डॉक्टर मौजूद रहे। इस शिविर में 1200 कैदियों ने अपना परीक्षण करवाया। आज जिला कारागार में बृहद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नाक कान गला हड्डी आँख जनरल फिजिशियन दांत और अन्य बीमारियों के विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें सभी बंदियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें कुल मिलाकर के महिला और पुरुष 1200 बंदी लाभान्वित हुए। नगरीय निकाय की रायपुर में बैठक की गई, जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय में अभी ट्रांसफरों पर बैन है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री इस समन्वय में कार्रवाई करते हैं। वहीं नगरीय निकाय की कामों की गुणवत्ता और अधिकारियों की परफॉर्मेंस जानने के लिए हर 3 महीने में समीक्षा बैठक की जाती है। देखिए, हमारे नगरीय निकायों में जो काम होना चाहिए गुणवत्तापूर्ण हो, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलती है वो गुणवत्तापूर्ण मिले, इसलिए हम लोग हर 3 महीने में एक समीक्षा बैठक सारे नगरीय निकायों पर करते हैं। कल हमारे रायपुर संभाग के और हमारे बस्तर संभाग के कमिश्नर्स का CMOs की बैठक ली गई थी, और आज रायपुर संभाग का, सरगुजा संभाग का और दुर्ग संभाग की बैठक आयोजित की गई। DIG अनिल सिंह कुशवाहा शाजापुर दौरे पर पहुंचे, जहां कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को बैठक ली। उन्होंने इसी दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे, ताकि चुनाव शांतिपूर्वक निपट जाए। जिस तरह प्रथम चरण में शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुआ, उसी तरह द्वितीय और तृतीय चरण में चुनाव हो, उसी को लेकर शाजापुर जिले का दौरा किया है। जब मीडिया ने अपराधियों को लेकर चर्चा की तो DIG अनिल सिंह कुशवाहा ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले और अपराधियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। चूँकि अभी पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव दोनों साथ साथ ही चल रहा है, तो पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण जो है फर्स्ट को है, उसका इलेक्शन आपको जानकारी नहीं है। तो उसी उद्देश्य से पहला उद्देश्य वही रहा है कि इस चुनाव में हम लोग जो व्यवस्थाएं अभी लगाई गई हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं है, उसका एक समीक्षा था। साथ में क्या क्या सावधानी बरतनी है, प्रतिबंधक कार्रवाइयाँ पर्याप्त हुई कि नहीं, उसका एक आकलन हमको करना था। रायसेन शहर के सांची मार्ग पर स्थित कहने को तो VIP कॉलोनी है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां शून्य ही नजर आ रहा है। ये VIP कॉलोनी अवैध से वैध नहीं हो सकी। यहां सड़क, बिजली और पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं हो सका है। ये सब कॉलोनाइजर की लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें कि VIP कॉलोनी की आबादी करीब 1500 है। वहीं रहवासियों ने नगर पालिका परिषद चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। VIP कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी में कई सालों से मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मामला ये है, ये कॉलोनी 2010 से चालू है और इसका पजेशन 2009-10 से मिलना शुरू हो गया था। तब से लेकर अभी तक इस कॉलोनी में जो वादे किए गए थे, उन वादों के अनुसार ना तो मुख्य सड़क है और ना जो सब रोड होती है सड़क है वो निर्मित नहीं है, कच्ची सड़कें हैं। और हर साल हम कॉलोनी वासियों को चंदा एकत्रित करके इसे दुरुस्त कराना पड़ता है। कहने को तो ये VIP कॉलोनी है, बट यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है और सब जगह यहाँ पे पानी भरा रहता है। ना तो निकासी है, कहाँ से निकले, ना तो यहाँ पे सड़क है। और बहुत बार यहाँ शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कभी शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं मिलती। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, मध्य प्रदेश में, जहां एक और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए प्रतिदिन पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं, तो वहीं लकड़ी माफियाओं के द्वार आए
दिन अंधाधुंध हरे पेड़ों की कटाई भी की जा रही है। ताजा मामला भिंड जिले का है, जहां सागौन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है। इस संबंध में DFO ने बताया कि सागौन की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। मुझे आज खबर मिली है कि मैंने जो हमारे वन मंडल में एक विशेष गश्ती दल का गठन किया गया था, जिसके द्वारा आज ट्रैक्टर से भरी हुई लकड़ी पकड़ी गई है, जिसकी जांच अभी अग्रिम जांच कार्रवाई की जा रही है और इसके में फिर आगे फैसला किया जाएगा। जो संबंधित इसके संबंधित जो SDO कार्यालय है, जहां से रास्ता की कार्रवाई होती है, वहां से इसका फैसला किया जाएगा। और जो लकड़ी है अचलपुरा से आ रही थी जी, TP से आ रही थी और इन्होंने मालपुरा पे आगे पकड़ी, बोले कि इसमें एम्बल नहीं लगे, वो नहीं लगे, ये तो विभाग की गलती है, उन्होंने TP काटी है, इसमें मेरी क्या गलती है? जब आप पास दे रहे TP पास, हमारी क्या गलती है? बुलंदशहर पुलिस को दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि सयाना में पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान पुलिस को दो संदिग्ध आते दिखे तो पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश भागने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। वहीं घायल बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस कल रात में अपने संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी, चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो भागने लगे और पुलिस पर फायर कर दिया। काउंटर फायरिंग में पुलिस द्वारा वो घायल हो गए, उनके पैर में गोली लगी है, इन्हें अस्पताल भेजा गया है और उनका इलाज कराया जा रहा है। जब उनसे पूछताछ की गई पता लगा कि वह 20,000 रुपये के इनामी हैं, जो खुर्जा नगर में गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित थे। यह एक बहुत बड़ी सफलता सयाना पुलिस की है। अनूपपुर में बीते 10 दिनों से भीषण भरी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल गई है। तेज बारिश की वजह से गांधी चौक, झंडा बाजार, खटी मोहल्ला और स्टेट बैंक के सामने सहित निचले स्थानों पर पानी का भराव हो गया है। बता दें कि नगर में बारिश के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था ना होने से सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं, लेकिन नगर में बैठे जिम्मेदार आला अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा नगर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 43 से भाजपा प्रत्याशी संजय सिंघल ने चुनाव कार्यालय से एक विशाल रैली निकाली, जो कि दौलतगंज पारस से होती हुई वापस कार्यालय पर समाप्त हुई। रैली के दौरान भाजपा प्रत्याशी संजय सिंघल को सभी क्षेत्रों में अपार जनसमर्थन मिला। वार्डवासियों ने विश्वास दिलाया कि भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे और संजय सिंघल को विजयी बनाएंगे। इससे ऐसा लगता है कि वार्ड 45 में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत है। प्रत्याशी बैठे से पूछूंगा कहां का भ्रमण किया, जनता ने इनको क्या समर्थन दिया है। आज इसमें लगभग 150 महिलाओं की उपस्थिति थी और लगभग 200-250 पुरुष थे। आज का जनसंपर्क ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा चुनाव हो रहा हो। सभी की ऐसी इच्छा थी, ऐसा उत्साह था कि जो भाई संजय जी मैं खड़ा हुआ हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीते हैं। इसके साथ ही साथ आज बाजार बंद होने के बाद भी हम जो मोहल्लों में गए, माता बहनों ने छज्जों से नीचे उतरकर अपार समर्थन दिया। इस बार लग तो रहा है कि काफी सारे उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि अब किसको वोट दिया जाए, बट हाँ कमल के प्रति काफी लोग वफादार होते हैं। अब जो जो नए प्रत्याशी आए हैं उनके बारे में जानते नहीं है। अब ये संजीव सिंघल खड़े हुए हैं और एक पहले से हमारे वार्ड में कार्य कर रहे थे वो भी है। अब देखते हैं कि क्या दूसरों की सबकी राय एक साथ तो कॉन्फिडेंशियल होता है किसको वोट देना है।
बेमेतरा के पुलिस अधीक्षक ने दो प्रधान आरक्षकों को कंधे पर स्टार और कैप लगाकर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। आपको बता दें कि बेमेतरा के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने अपने कार्यालय में बेमेतरा के दो प्रधान आरक्षक विष्णु प्रसाद और रघुवीर सिंह को स्टार लगाकर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया, साथ ही मेहनत और लगन से काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। खरदोन कला गांव में समस्या को लेकर शाजापुर के संवाददाता मुकेश अहिरवार ने ग्रामीणों से चर्चा की। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में विकट समस्या है, यहां पर दो बोर हैं पर दोनों ही मोटर बंद पड़ी हैं, पंचायत इस ओर कोई ध्यान नहीं देती। वहीं दूसरी समस्या जल संकट की है जिसको अभी तक पंचायत द्वारा दूर नहीं किया गया है। पिछली बार 3 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, उसमें मेरे को पूरा ग्रामीण का आशीर्वाद मिला है। मैं हमेशा ग्राम से चुनाव जीता हूँ, बाहर से चुनाव हारा हूँ, लेकिन इस बार वापस मैं जनपद पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ वार्ड क्रमांक 25 से, और मेरे को उम्मीद है कि मेरे ग्राम के सभी मेरे आशीर्वाददाता मेरे को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मैं हमेशा बगैर पद से काम किया है, काम करूँगा। ग्रामीणों के लिए मैं 24 घंटा तत्पर रहता हूँ, कभी भी मेरे को कोई फोन लगाता है पानी के लिए या लाइट के लिए तो हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। मैनपुरी में फर्जी क्राइम ब्रांच पुलिस से बनकर लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए आरोपी सड़क पर चलती गाड़ियों को रोककर खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताकर लूटपाट को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाया करते थे। वहीं शहर कोतवाली पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से एक बुलेट मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और लूटे गए 10,000 रुपये नकद भी बरामद किए। साथ ही लुटेरे के पास से पुलिस ने एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पकड़े गए अपराधियों से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। ये दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, एक अमित शर्मा दूसरा पंकज यादव। इनके बारे में काफी दिनों से जानकारी मिल रही थी कि जगह जगह जनपद में कई जगह इनके द्वारा अपने को क्राइम ब्रांच का बता करके और लूटपाट की घटनाएं की गई। इस संबंध में दन्नाहार में और कोतवाली में अभियोग भी पंजीकृत है। इनसे पूछताछ में यह भी जानकारी मिली कि यह आसपास के जनपदों में भी इस तरह की घटनाएं करते थे। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल और लूटा गया 10,000 रुपया बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का 23 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। इसके अलावा धनवंतरी मेडिकल स्टोर पूरे प्रदेश में खोले गए हैं, जिसकी मदद से अच्छी कंपनी की दवाई जनता को सस्ते दामों में मिल रही है। इसके अलावा पौनी पसारी बाजार योजना को लेकर सीएम ने कहा कि इस योजना को शहर में बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य सलम योजना, ये अच्छी चले। आज तक लगभग 23 लाख से ज़्यादा लोगों के इलाज इसमें किए गए हैं, उनको दवा का वितरण किया गया है। धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स पूरे प्रदेश में खोले गए हैं, हर निकाय में खोला गया है, उसका अच्छा प्रतिसाद मिला। गरीब लोगों को आधे से भी कम दर पर ब्रांडेड कंपनियों के दवाई उपलब्ध किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छा कदम है। क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट और लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। अजीत करवाड़े ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनको एक मोबाइल नंबर से कॉल आया था, जिसमें आरोपी मोबाइल फोन धारक ने कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट और साथ ही कार्ड की क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने का झांसा दिया। वहीं उसके बताने पर पीड़ित के मोबाइल पर आए OTP पूछकर 75,000 रुपये आहरण कर लिए। वहीं थाना कोतवाली में मोबाइल धारक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरा मामला थाना कोतवाली का है, जिसमें अजीत करवाड़ी जिन्होंने कोटक महिंद्रा से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए उनके पास एक अज्ञात मोबाइल धारक द्वारा कॉल आया था और उसको क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने तथा उसकी क्रेडिट लिमिट को सेट करने के लिए बार बार उनसे OTP मांगा। 3 बार OTP उनके मोबाइल में आया, जिस पर 25,000 कुल 75,000 की ठगी हुई है, जिस पर थाना कोतवाली में 420 तक मामला पंजीबद्ध किया गया और अज्ञात मोबाइल जो धारक है उसके संबंध में जानकारी तो साइबर सेल को इससे पत्राचार किया जा रहा है और उसमें जो भी उसकी जानकारी होगी उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
अब बात मुंबई पीडब्ल्यूडी विभाग के घोटालों की है, जहां कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारी ही सरकार और आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर गैर सरकारी। हर विभाग को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से बांध दिया जाता है, लेकिन कुछ सरकारी नुमाइंदे करोड़ों के घोटालों के नीचे इतना दबे हुए हैं कि उनको विकास और जिम्मेदारी का भार उठाना भी मुश्किल पड़ता है। या साफ शब्दों में कहें तो सरकार के कुछ भ्रष्ट नुमाइंदे ही सरकार और जनता के लिए आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं। अब ऐसे में लाजमी है कि जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी विभाग में घोटालों का बोलबाला। महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी का बड़ा घोटाला। पैसे खिलाने वाले सरदार और ईमानदार कर्जदार। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिप्टी इंजीनियर जिम्मेदार। क्या काले कारनामों के जिम्मेदार नांद्रेकर साहब? आखिर कौन है करोड़ों के घोटाले का जिम्मेदार? आखिर कब रुकेगा भ्रष्टाचार? जनता कर रही जांच की मांग। आखिर क्यों सरकारी नियमों को तोड़कर टेंडर दिया गया? बिना काम किए बिल क्यों दिए गए? ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों की सांठ गांठ। पैसे लेकर टेंडर देने का आरोप। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर कार्यरत हैं। प्रेसिडेंसी डिवीजन को राज्य सरकार की संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुदान देती है और इसी अनुदान से ही ये काम होते हैं। सरकारी पैसे का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है, काम न करते हुए भी बिल अदा किए जा रहे हैं और इसी निधि का गबन किए जाने का आरोप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर पर लगाया जा रहा है। बता दें कि 2 साल पहले भी कार्यकारी अभियंता स्वामीदास चौबे द्वारा गड़बड़ी पाई गई थी। आखिर इन सब अवैध कामों को बढ़ावा किसके संरक्षण में दिया जाता है? तो इन घोटालों की आईआईटी मुंबई द्वारा जांच किए जाने की मांग की जा रही है और आम जनता द्वारा मास्टरमाइंड कहे जाने वाले नांद्रेकर और संबंधित अधिकारियों के फोन रिकॉर्ड्स, संपत्ति के साथ बैंक लेन देन की जांच करने की मांग आम जनता द्वारा की जा रही है। वहीं छोटे ठेकेदारों और आम जनता का कहना है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखने वाली बात यह है कि इन घोटालेबाजों पर कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।